हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पर सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो वीडियो है वो खासकर उन सभी यूट्यूबर्स के लिए है जो अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और एडिट वगैरह करते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि वैसे कोई भी वीडियो डालने से पहले तो हम उसे अच्छे से चेक करते हैं कि कोई गलती ना रह गई हो, लेकिन कभी बाय चांस, अब ह्यूमंस है, मिस्टेक्स होना तो आम बात है, वी आर द ह्यूमंस ऑफ कोर्स, लेकिन वीडियो अपलोड होने के बाद क्या कभी हमें कोई गलती दिखती है तो हम उसे कैसे ठीक करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब हम उस वीडियो को डिलीट तो कर नहीं सकते। अगर वीडियो उठ चुकी होगी यानी उसके व्यूज ज़्यादा हो चुके होंगे, लाइक ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ किसी मिस्टेक रह गई है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करें। आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हम उन वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, कैसे हमें जो पार्ट वीडियो का ट्रिम करना है वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ YouTube स्टूडियो एडिटर। तो चलिए वीडियो को आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से चैनल को लाइक, कमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए जल्दी से सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने चैनल के डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड आपको जितनी भी अलाइनमेंट्स दिख रहे हैं जिन्हें मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, उसमें सबसे पहले सेकंड ऑप्शन पे जाना है कंटेंट के। कंटेंट पे जाते ही जैसे आप देखोगे आपके चैनल्स के जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से अपेयर हो जाएंगी। जैसे ही अपेयर होती है इसमें से आपको जो वीडियो आपको लगता है कि चेंज करने हैं, उसमें एडिटिंग करनी है, आप उस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। जैसे एक वीडियो मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ, मैं अपने इस अपलोड में से एक वीडियो उठा रही हूँ आजकल की स्थिति, ये जो आपको दिख रहा है इसको अब मैं टैप करूँगी तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। आप डायरेक्टली वीडियो को खोलिए, आप इस तरीके से देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ गए हैं जिसमें आप एडिट कर सकते हो। ये आपको डायरेक्टली YouTube स्टूडियो के ऐप में भी मिल जाते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपनी एडिटिंग कर सकते हो, थंबनेल चेंज कर सकते हो, अपनी विजिबिलिटी चेंज कर सकते हो, अपना आपका एडिटिंग जो भी पोर्शन होता है डिस्क्रिप्शन का वो चेंज कर सकते हो। जैसे राइट साइड आपको ये दिख रहा होगा पब्लिक विजिबिलिटी, सब टाइटल्स डाल सकते हो, एंड स्क्रीन पर क्या आना है वो भी आप इस पर डाल सकते हो, क्या दिखेगा, कार्ड्स वाला होता है आई बटन वाला, जो आप देखते होंगे ना वीडियोस के ऊपर एक दूसरी वीडियो का लिंक आता है उसे हम आई बटन के लिए आई कार्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप अपनी वीडियो के साथ कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हो, अपनी प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हो, दो चैनल ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी वीडियो आपको रिलेट करनी है उसके साथ या अपलोड करनी है आप उस वीडियो को अपने वीडियो गैलरी से सिलेक्ट करते हो और उसके बाद आप उसको ट्रिम कर सकते हो। यानी वो आई बटन आपको कौन से पार्ट के वीडियो पे कहाँ पे शो करना है, इस तरीके से स्लाइडर की हेल्प से आप उतना पार्ट सिलेक्ट कर सकते हो, उतना वीडियो उतना ऑडियो के पोर्शन पर जहाँ पर आपको उसमें चेंजेस करने हैं। तो जैसे मैं इसमें चेंजेस कर रही हूँ, मैंने अपनी एक वीडियो ले ली थी, अब उसके बाद मैंने उसे सेव कर दिया है। ये तो बात थी आई बटन ऐड करने की। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो वीडियो की एडिटिंग, यानी वीडियो पे अगर कोई कंटेंट डल गया है तो उसको कैसे करेंगे। साइड में देखिए एडिटर ऐप दिख रहा है, इसको जैसे ही आप टच करते हैं तो जो वीडियो आपने सेलेक्ट की थी वो अपेयर हो जाएगी इस तरीके से। उसके बाद नीचे आप देखोगे ऑप्शंस हैं आपके पास, ट्रिम, आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, वीडियो ऐड ऑन कर सकते हो, उसमें अलग अलग ऑडियो डाल सकते हो, जिस भी पार्ट का आपको पोर्शन चेंज करना है। जैसे मैं स्लाइडर की हेल्प से अपनी स्लाइड कर रही हूँ, ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस आपको एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। ये सब करने के बाद आप यहाँ पे से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो डालना है, आपको एडिट करना है, ट्रिम करना है, ब्लर करना है, तो स्लाइडर की हेल्प से आप इसे जितना पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है आप उतना पोर्शन सिलेक्ट करिए, टाइम पीरियड आइए, ब्लर का ऑफ कोर्स टाइम पीरियड आता है, कितने से कितने तक का आपको ब्लर पोर्शन चाहिए, कितने से कितने तक आपको ऑडियो चेंज करना है, वीडियो का पार्ट डिलीट करना है, ट्रिम करना है, वो आप इस एडिटर के अंदर बहुत ही इजीली कर सकते हो। जैसे कोई भी पार्ट यहाँ पे से आप ले लोगे तो उसके बाद आप देखोगे कि आपने जितना भी पार्ट सिलेक्ट करना था, जो भी आपको चेंजेस करने थे वो आप ईजिली कर सकते हो, आपने कर ली। यहाँ पे ब्लर के भी ऑप्शन आते हैं, फेस ब्लर भी आता है और कस्टम ब्लर भी आता है, जो आपको सूट है आप उसके अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो।
पोर्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इसको रीसाइज भी कर सकते हो जो आपका है। और यहाँ पे जो सेव ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने इसमें भी चेंजेस नहीं करे हैं, तो अगर मैं चेंजेस करती तो यहाँ पे सेव के ऊपर ब्लू टिक आ जाता, तो जितना भी आपको चेंजेस करना था फिर आप उसको करने के बाद सेव कर दीजिए। थोड़े से सेकेंड्स लेगा, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है कि आपकी स्पीड के हिसाब से, आपकी नेट कनेक्टिविटी के हिसाब से। और अगर आपको चेंजेस नहीं करने तो आप डिस्कार्ड चेंजेस भी कर सकते हो। ये हमने पूरा सीख लिया कि कैसे हम अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। आपको सिंपल अपने कंटेंट में जाना है, कंटेंट के अंदर वीडियो सेलेक्ट करनी है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको उसके एडिटर पे जाना है, और एडिटर के बाद आप अपना आई बटन और ये सब चेंज कर सकते हैं। जैसे चैनल का डैशबोर्ड आपको मैं दिखा रही हूँ, जिसमें अब मैं आपको आई बटन वाला दिखाती हूँ कि जो मैंने किया था। अब मैं चैनल के डैशबोर्ड पे गई, चैनल के डैशबोर्ड पे जो प्लेलिस्ट शो हो रही है आपको, ये अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं, आपको जो भी प्लेलिस्ट चेक करनी। और मैंने जहाँ चेंजेस करे थे वो मैंने करे थे अपने पॉजिटिव वाइवर के अंदर। पॉजिटिव वाइवर में आप देखिए मेरे जो पेज की वीडियो थी आजकल की स्थिति के ऊपर, मैंने जो चेंज किया था इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको एक कविता मेरी माँ, ये एक छोटा सा आई बटन शो हो रहा है। तो यही वो चेंजेस होते हैं जो आई बटन से आप कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आपको उस वीडियो पर लेके जाएगा। और जैसे आप उसे क्लिक करोगे, हेलो एवरीवन दिस इज प्रियंका, और इस तरीके से आ जाएगा।